नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड तूफान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते रिलीज हुई बॉलीवुड की फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर के डे फोर के इंडिया के ओवरसीज के और वर्ल्ड वाइड के कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारी चैनल बॉलीवुड तूफान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने से हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रोमियो अकबर वॉल्टर फिल्म रिलीज हुए 4 दिन हो चुके हैं और इस फिल्म को दर्शक की तरफ से मिक्स रिव्यू मिले हैं। दोस्तों ये फिल्म एक्शन से भरपूर है, देशभक्ति पर आधारित है और रोमियो अकबर वॉल्टर फिल्म का जो बजट है वो 35 करोड़ बताया जा रहा है। इस फिल्म में लीड रोल में हमें जॉन अब्राहम, मोनी रॉय और जैकी श्रॉफ जैसे बढ़िया स्टार देखने को मिले हैं। तो चलिए दोस्तों इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो रोमियो अकबर वॉल्टर ने पहले वीकेंड से इंडिया से 22 करोड़ का बिजनेस किया है और इस फिल्म का आज डे फोर है, वर्किंग डे होने की वजह से थोड़ा कम आया है कलेक्शन। तो डे फोर में जो कलेक्शन आ रहा है दोस्तों वो 2 करोड़ 30 लाख आ रहा है। इसी के साथ रोमियो अकबर वॉल्टर फिल्म का डे फोर तक का इंडिया का टोटल कलेक्शन होता है 24 करोड़ 25 लाख और इस फिल्म ने डे फोर तक इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन किया है 31 करोड़। दोस्तों आपको बता दूं कि रोमियो अकबर वॉल्टर फिल्म ने ओवरसीज में अभी तक 8 करोड़ का बिजनेस किया है। इसी के साथ इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड टोटल कलेक्शन होता है 40 करोड़। तो दोस्तों ये फिल्म आपने देखी तो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों।